नमस्ते चशी, कमल अजमेरा का प्रश्न है। मनुष्य कुल में सबसे पहले आदम और हव्वा की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है, तो जैन मतानुसार मनुष्य कुल में सबसे पहले किसका जन्म हुआ? देखा जाए तो आदम से मतलब आदिम, आदिनाथ। अब उनके पिता थे ना भी राय, लेकिन वो मूलतः भोग भूमि से जुड़े हुए थे। कर्म भूमि का शुभारंभ तो मूलतः आदिम ने ही किया, और मरुदेवी, तो इसमें से हम ईव या हब्बा शब्द ढूंढ सकते हैं। तो वह एक तरह से प्रकृति के आदिम हैं, शुरू में हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन और लोगों की क्या कल्पनाएं हैं, वो उनकी जगह हैं। बाकी कर्म भूमि के प्रथम पुरुष तो आदि पुरुष, आदिश जिन, आदि सुविधिकर्ता, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। नमस्ते आचार्य जी, दिनेश जैन दिल्ली से। जिस चक्रवर्ती को दीक्षा लेकर स्वर्ग जाना हो, उसके राज सत्ता में रहते हुए आयु कर्म के बंध का योग आने पर किस आयु का बंध होगा? राज सत्ता में भी रहें और परिणाम अगर उत्कृष्ट हैं, भक्ति के हैं, पूजा के हैं, दान के हैं, दया के हैं, निर्मल परिणाम हैं, तो उनको वैसी आयु बंधेगी। जैसे परिणाम है वैसे आयु का बंध होगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जरूर है कि अगर उन्हें मोक्ष जाना है तो मुनि बनेंगे ही बनेंगे, और चक्रवर्ती बने बने तो स्वर्ग भी नहीं जा सकते, वो छोड़ना पड़ेगा, देशव्रती महाव्रति बनना पड़ेगा, फिर उस स्वर्ग जाएंगे। और नहीं तो अगर चक्रवर्ती पद में ही पड़े रहे और मरण हुआ तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। नमस्ते आचार्य जी, निखिल जनासपुर से। मैं दिगंबर जैन हूँ वागड़ से। जब किसी की शादी होती है तो लड़के वाले पैसे लेते हैं, 2-2.5 लाख, 2-2.5 करोड़ रुपए लेते हैं। ये सिर्फ नागदा जैन समाज में ही है, और इतना सारा पैसा लेना एक कन्या का ये उचित है क्या? और इस जगह पर शादी होने से पहले ही लड़के वाले पैसे मांगते हैं, तो इसके लिए समाज को कैसे रोकना चाहिए? क्या करें, नागदा कहो या कुछ और, समाज में ऐसे वर्ग हैं जो बहुत पिछड़े हुए टाइप से हैं। अभी भी छोरी 2.5 लाख नहीं, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख जब ऐसे कोई छोरे वाले दें तो शादी हो। दूसरी जगह तो ये होता है कि छोरे वाले दहेज लेते हैं। इस समाज में अभी भी संभवतः छोरियां कम होंगी या जो भी चलन हो, तो छोरियों को देना पड़ता है। अब तो सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए, और विवेक पूर्वक अच्छी रीति नीति से लोभ लालच को कम करके आपसी संबंध बनाना चाहिए। हैं, उसमें लोटा पोटा क्या होता है, इस टाइप के भी होते हैं, ओटा पोट साटा पाटा, हाँ जो भी है, अब हमको याद नहीं रहा, लोटा पोटा बोल दिया ऐसा। तो आपस में लोग पता नहीं क्या क्या करके रखते हैं। एक मंगलकारी जिन धर्म मिलाए, थोड़ी समझदारी से और विवेक पूर्वक चलें और रिश्ते निभाएं बनाएं। और किसी का प्रश्न, जल्दी से खड़े होते जाए। जीवन में सुख शांति व समृद्धि की कैसे वृद्धि होगी? नमोस्तु आचार्य। मूल बात तो ये है कि एक सामाजिक व्यवस्था है, इसके माध्यम से आप मुनि संघ की सेवा में जुड़ पा रहे हैं, या कुछ अर्पण करके समाज के सहयोगी बन पा रहे हैं। उसके साथ साथ एक ऐसा कलश, एक प्रतीक चिन्ह, एक मंगल कलश आपको मिल रहा है कि जिसे बरसों बरस तक याद रहेगा कि हाँ चतुर्मास हुआ था, मेरी भी इसमें एक अच्छी भूमिका थी। और अब हमसे आप पूछने लगो कि हम उसके बहुत सारे महत्व बताएं, तो वो अपने बस का काम नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि जब भी धर्म ध्यान से आप जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है, व्यर्थ नहीं जाता। तो जो समाज की योजनाएं हैं मुनि संघों की सेवा के संबंध में, एक बहुत अच्छी रूपरेखा बनाई कि आप हर रोज एक परिवार जुड़े, पूरा परिवार दिन भर का लाभ ले, और फिर भविष्य के लिए उनके पास एक सुंदर सा कलश रहेगा, कभी भी कह सकते कि हमारी भी भूमिका चतुर्मास में रही है। और उसके साथ जो जाप होंगे, जो आशीर्वाद होंगे, उसका फल तो मिलना ही है। ओम।
नमोस्ते महाराज, नमोस्ते महाराज। महाराज जी, मेरे घर पे पार्थोले की एक महिला जी है, रतन देवी, वो चौका लगा रही है। वो उसकी चौका वो एकली हो रहा थी, मतलब पूरे मतलब पूरा चौका बना लेती है। और उसकी सराहना तो मैं करता हूँ महाराज। वो उसका कौन सा पुण्य है जो हमारे बार अभी किशनगढ़ की एक महिला इतना काम नहीं कर सकती है जितना वो कर रही है। तो ये उदाहरण जो है ना, किशनगढ़ वाली की महिलाओं को बताओ कि एक बूढ़ी माँ जो है वो भी अकेले चौका लगा सकती है। तुम हट्टे कट्टे लोग जो आलसी बने बैठे हो ना, ये अच्छा नहीं है। दूर दूर से आकर के, और एक उदाहरण दिया इनने, तो ऐसे आपको अभी हाल 5 उदाहरण मिल जाएंगे कि ज़्यादा से एक बहू बेटी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के 2-3 सदस्य होंगे, और 1000 किलोमीटर से आकर के भी मुनि संघ की सेवा कर रहे हैं। और आप अब अपना भी विचार कर लो कि आस पास ही घर है, और आपके पास भी 2-3 अच्छे स्वस्थ सदस्य हैं, और 2-3 की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल चर्या करना है, 5 थालियाँ नहीं सजाना है, 3 थालियाँ नहीं सजाना है। साधुओं को देख लो, एकदम सिंपल चर्या है ना, किसी की कोई गिनतियाँ हैं कि मुझे इतने जूस की, मिठाई की, नमकीन की कुछ चाहिए, बल्कि त्याग और हैं। अब ऐसे में भी आलसी बने रहो तो आप समझ लो कि अपना पुण्य ही गंवा रहे हो, नहीं तो रोज़ पड़गाहन में खड़े हो जाओ, साधारण सी व्यवस्था हो और आराम से हो सकता है। थोड़ी समझदारी से काम करो। 5-7 दिन में जो आप थोप थोप करके बदबाद कर देते कुछ भी बना करके, उसको एवज में आप विधिवत प्रयोग करते जाएं, खूब सेवा का मौका मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। स्त्री को अबला क्यों कहा जाता है, जबकि युगों युगों से वह शक्तिवती है और सृष्टि की निर्माता भी है, फिर से उसे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नमोस्तु। अबला क्यों कहा जाता है? आपको कोई अबला कहे तो उसको आप बता देने का वहीं अपना बल, उसको समझ में आएगा कि अबला नहीं कह सकते हैं। वास्तव में दूसरा कारण है कि संघनन की व्यवस्था से देखें तो स्त्रियों का 3रे से आगे का संघनन कर्म भूमि में नहीं होता। दूसरी बात है, कितनी भी शक्ति संपन्न हो नारी, फिर भी एक पुरुष की एक अलग रचना है, एक अलग शक्ति है, तो पुरुषों की विवक्षा में कदाचित उन्हें अबला कहा जाता है। वास्तव में कोई अबला नहीं है, वो भी शक्ति स्वरूपा हैं, उनकी समाज के निर्माण में एक बड़ी भूमिका है। अपने आप को सक्षम बना करके विवेकपूर्वक सही रास्ते से चलते रहें। अब इसमें देख लो, अबला इसलिए भी तो हैं, ज़्यादा जरा सा किसी ने जादू फेंका उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर कोई समझाए तो भी समझ में नहीं आता। बाद में जब मार पड़ती है, जब खतरे सामने आते हैं तो घिघियाते फिरते हैं, इसके उसके चक्कर लगाते फिरते हैं। तो कई बार अपनी नालायकी से, अपनी बेवकूफ़ी से अबला जैसे कष्ट भोगने के संकट को निमंत्रण दे देती हैं। तो बल वाले हैं तो विवेक से, सबलता से समझ करके काम करें, आगे बढ़ें। ओम नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, किसी के गर्भ में बच्चा हो तो उसको क्या संस्कार, कैसे संस्कार देने चाहिए, और कौन से शास्त्र जी का स्वाध्याय करना चाहिए? पद्म पुराण जी का स्वाध्याय करो, महापुराण का स्वाध्याय करो, सम्यक्त कौमुदी का स्वाध्याय करो, जीवंधर चरित्र का, छत्र चूड़ामणि का, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है। गुरुजन हैं तो उनका सानिध्य लो, पड़गाहन वगैरह की योग्यता है तो पड़गाहन करो, ताकि एक बात सात्विक मन बना रहे, सात्विक वातावरण बना रहे, तो एक विवेकवान जीव का जन्म होगा। ओम आचार्य भगवंगे त्रिकाल नमोस्तु। आचार्य श्री, श्री भक्तामृतसर का पाठ घर में हमें किस समय करना चाहिए जो शुभ रहता हो? हम तो इस मामले में बोलते हैं कि भक्तामर तत्वार सूत्र ऐसे प्रचलित ग्रंथ हैं कि आपकी जब भी शुद्धि हो, हाथ पांव मुंह शुद्ध है, स्थान शुद्ध है, तो आप कभी भी कहीं भी इनका पाठ कर लो। क्योंकि अगर इसको भी हम अष्टमी चतुर्दशी दिन और रात से बांध देंगे तो ग्रस्त के हाथ, मुझे लगता है ये ठीक है, दिन में ही करो, समय से करो, सब ठीक है, लेकिन कभी चूक गए तो जब ही उचित लगा, उचित स्थान मिला, तो हाथ मुंह धो करके अपना चालू कर दिए। ओम नमोस्तु आचार्य जी।
सामायिक पाठ हिंदी में संस्तर संघ सम्मेलन नहीं समाधि के साधन, इसका अर्थ समझाइए आचार्य। अरे इस पर प्रवचन हुए थे मुंबई में भाईंदर में, ऐसा संस्तर पूजा संघ सम्मेलन नहीं समाधि के साधन। यहाँ एक बहुत सुंदर उपदेश है, न संस्त्रोस्मा न तृणम न मेदिनी विधान तो नो फलको विनिर्मिता निरस्त। तो इसमें कहा कि चाहे अच्छा घर मिल जाए, अच्छा संस्थान मिल जाए, अच्छे सहयोगी मिल जाए, अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाए, बोले ये समाधि के साधन नहीं है। कसाय भाव छूटे, इंद्रियों पर विजय हो तो समाधि होगी। ये ज्यादा जरूरी है कि आप समता भाव धारण करें। ओम नमोस्तु महाराज जी। बड़े बड़े विधान होते हैं उसमें बहुत सी औरतें बिना धुले हुए चावल चढ़ा देती हैं, तो ये कहाँ तक उचित है, चढ़ाने चाहिए क्या से? धो के चढ़ाएं, प्रासुक करके प्रासुक वस्तु चढ़ाएं, ज्यादा अच्छा है, विवेक रखना चाहिए। ओम कपड़े की भी अशुद्धि रहती है महाराज जी, कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए और सब चीजें शुद्ध शुद्ध ही होना चाहिए ताकि शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। ओम नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जीव का स्वभाव है देखना और जानना, फिर भी ये जीव राग द्वेष और मोह में क्यों रहता है? ये आप ही बताओ हैं? देखने जानने वाले बैठे हैं ना, वो देख रहे हैं जान रहे हैं, फिर भी राग द्वेष में नहीं पड़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं जान रहे हैं भोग रहे हैं फिर भी उसी में पड़ रहे हैं। तो जो जितना जितना सावधान होता है कि नहीं उलझना है, ठीक है वो अपना कर रहे हैं, वो उतना उतना बचता है। फिर सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन की दृष्टि की एक अच्छी क्षमता होती है, सहनशीलता होती है, विवेक होता है, और फिर वही रत्नत्रय लेता है, फिर मुनि बनता है, ज्ञाता दृष्टा भाव और पुष्ट होता है, चंचलता और कम होती है, विषय वासना और मिटती है, ऐसे धीरे धीरे वह ज्ञाता दृष्टा संपूर्ण स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास आप लोग भी करिए, बाकी राग द्वेष का जंजाल तो लगा ही हुआ है, ये विवेक से प्रज्ञा से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से इसे जीता जा सकता है। ओम नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर सम्यक शिखराचार्य निर्वाण लड्डू चढ़ाने, तो मैं पार्षद भगवान के टोक पे क्या भावना भानी चाहिए लाडू चढ़ाकर? जैसा लाडू हम आपको चढ़ा रहे ऐसे हमको मिले। जैसे हाँ मतलब जिसलिए निर्वाण हुआ आपका मोक्ष कल्याणक, तो मोक्ष रूपी लड्डू हमको भी प्राप्त हो। अनंत गुणों का गोदाम निज चैतन्य भगवान आत्मा हमारा भी प्रकट हो, और निर्मल निर्मल भाव भाना चाहिए। ऊपर पहाड़ पर जाकर के कुछ खाना पीना खरीदना बेचना नहीं करना चाहिए, अपने दम पर अपने पाँव से जाना चाहिए। ओम नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अच्छा काम इस भाव में अच्छा कार्य करेंगे, धर्म का काम करेंगे, अच्छे समता से रहेंगे, तो अगला भाव अच्छा मिलेगा ऐसे बताते हैं, तो उसमें हमको इस भाव में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो इसी भाव में अच्छा लगता है, इस भाव में अच्छा काम करते हैं तो इसी भाव में काफ़ी संतोष होता है, और जब इसी भाव में संतोष होता है तो ये निश्चित समझिए कि बांधा गया पुण्य अगले भाव में आपको अच्छाइयाँ अच्छे स्थान को प्राप्त कराएगा। तो अगले भाव में भी इस कर्म भाव में किए गए सत्कर्म का फल मिलता है। जैसे एक बीज बोते हैं तो बीज कई समय तक फल देता रहता है, ऐसे ही अपना ये धर्म ध्यान होता है कि इसका फल भी लंबे समय तक मिलता है। बस ऐसा कुछ ना करें कि करने के बाद पश्चाताप कर लें कि हमने तो इतना दान किया फल कुछ नहीं मिला, बेकार में दान किया। तो पश्चाताप नहीं करो, अपना कर्तव्य करते जाओ, अपना सही सही रास्ते पर चलते जाओ। ओम जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नमस्ते आचार्य श्री। रोज हमारे घर पर जिस कक्ष में बैठकर सामायिक करते हैं, एक दिन शाम की सामायिक में आधे घंटे ही कर रहे थे कि अचानक हमारे शरीर पर बहुत सारी चींटियां चढ़ जाती है, इसका कारण? संभवतः उस स्थान पर कभी कोई मिठास पड़ गई होगी, संभव है कि उस दिन आपने मिठाई ज़्यादा खाई होगी,
संभव है कि कोई तेल या कोई चीज़ ऐसी लग गई हो शरीर पर कि जिससे वो आ गई हों, ये भी संभव है उस तरफ उनकी निकलने रहने का कोई घर हो और कुछ दिनों से भूखी हों तो आ गई हों, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये ज़रूर है कि निमित्त शास्त्रों में लाल चींटी का बहुत ज़्यादा निकलना ठीक नहीं माना जाता है, काली चींटी का निकलना ठीक माना जाता है, लेकिन मुनि महाराज जब घर में चौकी में आए तो दोनों का निकलना भी ठीक नहीं माना जाता। क्यों? अगर बहुत ज़्यादा संख्या में होंगी तो महाराज जी उन्हें देख के निकल जाएंगे कि कोई इन्हें कुचल ना दे, किसी के पाँव से मर ना जाए। तो फिक्र नहीं करें, नमुकार की जाप कर लें, स्थान की शुद्धि करें, शरीर की शुद्धि करें। नमस्ते श्री, साधना बढ़ जाती है बंसोर से। उनकी एक उलझन है, मेरे ससुर जी की उम्र 85 साल है और सासू जी के 80 साल है, अभी चौमासा चल रहा है और मेरी नरन देवर बाहर रहते हैं, वो भी मुझे फोर्स करते हैं कि जो पापा को पसंद हो मम्मी को पसंद हो वही खिलाओ, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी खिलाओ और उनको भी आलू प्याज रात में खाना पसंद है। मेरी उम्र 72 साल है और मैं आलू प्याज भी नहीं खाती और मेरी बहू भी आलू प्याज नहीं खाती, तो इससे मैं मेरे नियम का पालन कैसे करूं, उनको कैसे उनका कैसे धर्म अपनाऊं? अब देखिए, उन्हें संबोधित करें, उन्हें जिनवाणी का अभ्यास कराएं, मुनिराजों के प्रवचन टीवी पर देखें सुने, थोड़ा सा समझदारी तो उन्हें देना पड़ेगी। खुद से नहीं बनता है तो कोई समझदार से श्रावक हो, कोई श्राविका हो उनके माध्यम से कि भाई आप जो है कम से कम 80-85 के हो गए तो खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखो, दिन में ही खाओ और कम से कम अनंत काय आलू वगैरह तो मत खाओ, बाकी दूसरी चीज़ें ठीक है। अगर आपकी जवान ज़्यादा चंचल है तो भले तली गली चीज़ें खा लो, लेकिन जिसमें अभक्ष हो वो तो मत खाओ। शायद ये समझाइश से ही हो सकता है, थोड़ा सा आपके उदासीन होने से भी हो सकता है। उसमें ये भी संभव है कि अगर आप उनकी व्यवस्था ना बनाएं तो ज़्यादा कुड़कुड़ाएं, गाड़ी देने लग जाएं, हैं जैसे आपने बताया कि वो ननद वगैरह को शिकायत करने लगते तो वहाँ से समाचार आते। तो बस आपसी समझ और समझाइश ही एक रास्ता बचता है, या कभी ननद वगैरह आएँ या बुलाएँ तो उनसे कहें कि आप इनको कम से कम खाने पीने के बारे में थोड़ा ठीक से समझाओ कि जब हम नहीं खाते, बहू नहीं खाती, बेटे पोते नहीं खाते तो तुम इतने बुज़ुर्ग आदमियों को तो कम से कम त्याग करने के लिए तैयार करो, करना ही चाहिए। ओम।